जानी ये बज रहे हैं सुबह के 8:30, ऑफिस जाने का टाइम और अंधेरा देख रहे हैं आप। रातें जो हैं वो इतनी लंबी कि ऑफिस जाते हुए भी अब रात में जाते हैं और आते वक्त भी रात में आते हैं। सो दैट्स द थिंग। और बारिश भी हो रही है ठंडी में, सर्दी वाली बारिश। ऑलराइट भाई, ऑफिस जो है वो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। एज यू कैन सी इज स्टिल डार्क, और जब मैं ऑफिस से ख़त्म करके निकल रहा हूँगा काम, तब भी ये इतना ही अंधेरा होगा। सो अब दिन जो है ना वो मिस होना शुरू हो जाएंगे और रातें जो हैं वो लंबी, दिन हो गए छोटे। सो आई ऑलमोस्ट रीच्ड ऑफिस, लेट्स गो टू वर्क। राइट भाई, काम करके डे ख़त्म, नाउ बैक टू स्कूल फॉर स्टडी। क्लास में लेट हो रहे हैं, सो लेट्स गो। पढ़ाई करके ख़त्म, सुबह 7 बजे के उठे मैं और अभी टाइम हो रहा है 11:00। काम करा, पढ़ाई करी, व्लॉगिंग करी, एंड नाउ लेट्स गो होम। बहुत थक गया हूँ। फाइनली भाई घर पे आ गए आफ्टर वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग, देन आपके सामने पढ़ाई करी। तो ये व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने का, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो मैंने पहली वीडियो में बताया कि लाइफ में जो मैंने उस टाइम स्ट्रगल और टफ टाइम गुजारा था, काश मैं रिकॉर्ड कर पाता। सो थैंकफुली कि मैंने अपनी लाइफ में अभी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। इसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं कि आपके सामने मेहनत हो रही है, सुबह से लेके काम करता हूँ, उसके बाद जाके सारा प्रोसेस सीख रहा हूँ। बिकॉज एक चीज मुझे रियलाइज हुई, व्लॉगिंग करने में वीडियो जितनी इंपॉर्टेंट है बनाना, उतनी ही इंपॉर्टेंट एडिटिंग भी रोल है। टाइम चेंज हो रहा है, दुनिया तब्दील हो रही है, एडिटिंग के तरीके भी तब्दील होते रहते हैं। सो एक्चुअली नाउ आई एम लर्निंग डाविंची रिजॉल्व 17 और वहां पर सिनेमैटिक और फिल्मोग्राफी के शॉर्ट्स निकालना। तो ये सारी चीजें सीख रहा हूँ, इसीलिए रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ और काम के बाद किसी चीज को बहाना नहीं बनाया हुआ। बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग यू हैव टू वर्क हार्ड। सही है ना, लाइफ का यही रूल है। तो सिर्फ 6-7 घंटे की नींद है, एंड दैट्स इनफ फॉर मी फॉर राइट नाउ। और उसके बाद सारा टाइम जो है वो फोकस करा हुआ है लाइफ के ऊपर कि इसमें कुछ प्रोडक्टिव करना है, कुछ काम करना है एनर्जी के साथ और सीरियसली एक्टिवनेस के साथ। तो किसी चीज को बहाना नहीं बनाया हुआ, जिम भी हो रहा है, मुझे इतना मजा आ रहा है अभी इस लाइफ में कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिकॉज प्रोडक्टिविटी है इसमें, मुझे दिख रहा है कि स्कोप है। अगर इसी तरह इंशाल्लाह ताला में चलता रहा तो बड़ा मजा आने वाला है। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी लाइफ में एक्टिव रहें, प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं, काम करें एनर्जी के साथ फुल, क्योंकि वही आपको मंजिल दिलवाएगी। सो आज के व्लॉग में इतना ही, इस पॉजिटिव नोट्स के साथ अल्लाह हाफिज। कि आप भी एक्टिव रहेंगे और मैं भी एक्टिव रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।